इसी तरह के काफी भारी संख्या में दोनों घटनाक्रम बालूपुरवा और नेतनी थाना के अलग अलग प्रदेश से फोटोग्राफ निकाल करके ये हम लोग चश्मा कर रहे हैं कि लोग इनके बारे में बताएं और जो इसमें सहयोग करेगा उसको उचित नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा बाकी जो वहां पर से लोग थे जो अलग अलग घटनाक्रम में थे, तो हमारे जो आदमी हैं उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एविडेंस कलेक्शन की, ताकि जो दोषी हैं वही जेल जाएं। ये एक विशेष तौर पर हमारे डीजीपी महोदय ने भी निर्देश दिया है पूरे उत्तर प्रदेश भर के लिए, और इसमें एसएसपी और आईजी को जिम्मेदार बनाया है कि ये लोग विशेष तौर पर देखें कि निर्दोष इसमें जेल न जाएं। दूसरी बात, इन सब घटनाक्रम में करीब 40 सिपाही हमारे घायल हुए हैं, दो एसआई घायल हुए हैं। हमने ये अफवाहों का दौर जो चल रहा है उसको रोकने के लिए इधर पिछले तकरीबन 48 आवर्स दो ढाई दिन से कोई घटना नहीं हुई है और उनको रोकने के लिए लगातार जूम करके बना दो सकल समझ में आएगा।